आप सबका स्वागत है जॉब की जानकारी यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीएसएफ की तरफ से निकाली गई वाटर विंग की रिक्रूटमेंट के बारे में। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है और एप्लीकेशन इसकी दोस्तों आज से स्टार्ट कर दी जाएगी। पोस्ट की बात करें तो 281 पोस्ट मिलेंगी देखने को, और ये जो बीएसएफ की पोस्ट है दोस्तों, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी इसकी पोस्ट निकाली गई है, ठीक है, जिसके अंदर 7 डिफरेंट डिपार्टमेंट निकले। हम एक एक डिपार्टमेंट की पूरी डिटेल्स आपको देंगे, उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया वो देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूँ, इस वीडियो में आपको हम एज लिमिट, फीस, साथ ही क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, पीएसटी, पीईटी, टेस्ट कौन से होंगे वो, रिक्रूट सेंटर कहाँ जाएगा आपका, सैलरी और सिलेबस, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस यहाँ पर आपको हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन डेट की। तो एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गई है, यानी कि 30/5/2022 से। फॉर्म भरने की लास्ट डेट बच्चों यहाँ पे 28 जून 2022 की रखी गई है। वहीं एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की जो पोस्ट है उसकी मिनिमम एज 20, मैक्स एज 25 साल की होनी चाहिए। वहीं पे जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए मिनिमम एज 22 और मैक्स एज 28 साल की रखी गई है। फीस की बात करें तो ऐसे ही वो जो SI पोस्ट है उसके अंदर जनरल OBC EWS की 200 रुपये फीस है, SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है। साथ ही दोस्तों, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की जो पोस्ट है उसके अंदर 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। तो यहाँ तक थी ये डिटेल। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले बता दूँ, इसके अंदर 7 अलग डिपार्टमेंट्स निकाले गए हैं, यही SI और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। सबकी पूरी क्वालिफिकेशन मैं बताने वाला हूँ, एक्सपीरियंस कौन सा लगेगा वो बताने वाला हूँ, और उसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन आएगी वो बताने वाला हूँ। तो कांस्टेबल क्रू की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपसे क्लास 10th हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ बोट के अंदर आपका। इसके अलावा आपको स्विमिंग भी आनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, हेड कांस्टेबल मास्टर की अगर वैकेंसी देखें तो इसके अंदर क्लास 10th हाई स्कूल मतलब पास होना चाहिए आपका, साथ ही सीटिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होना चाहिए। वहीं बात करी नेक्स्ट हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की, तो यहाँ पे भी आपका 10th क्लास आपने पास कर रखी हो प्लस 2nd क्लास इंजन का ड्राइवर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल वर्कशॉप मैकेनिकल डीजल और पेट्रोल इंजन का होता है डिपार्टमेंट उसके अंदर। तो इसके अंदर जो आपकी डिपार्टमेंट रखे गए हैं, ठीक है, इसमें आप इलेक्ट्रीशियन, AC टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर, इन सब वर्कशॉप के लिए एक ही रिक्वायरमेंट, एक ही क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो कि ये है, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं, तो सबसे पहले आपका 10th हाई स्कूल पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ITI या फिर NCVT का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ये जो ट्रेड्स आप देख रहे हैं ये सारी इसके अंदर, ठीक है, जिस ट्रेड का बच्चा होगा उस ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए इस डिपार्टमेंट, इस ITI या फिर NCVT का, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सब इंस्पेक्टर SI मास्टर की पोस्ट की। तो इसके अंदर आपका 12th मांगा गया है, ठीक है, आपने इंटरमीडिएट पास कर रखा हो प्लस 2nd क्लास मास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो इश्यू हो आपका सेंट्रल या स्टेट इनलेट वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा या फिर मर्सेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, इन दोनों के द्वारा, अगर किसी एक के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सब इंस्पेक्टर SI इंजन ड्राइवर की वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पर आपका 12th मांगा गया, इंटरमीडिएट आपने कर रखी हो। इसके अलावा 1st क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, सेम यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या फिर मर्सेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक। जैसे देख सकते हैं मास्टर के अंदर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस 2nd क्लास मास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो SI इंजन ड्राइवर है इसके अंदर 1st क्लास का। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं सब इंस्पेक्टर SI वर्कशॉप की, ठीक है। इसके अंदर आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो मैकेनिकल, मरीन या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। अगर आपने इसमें से किसी में भी डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपने इन तीनों वैकेंसी के अलावा किसी और में डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे बैचलर डिग्री की बात करें, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा
कोई और इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं पीएसटी टेस्ट की, तो यहाँ पे आपका हाइट और चेस्ट दो नापा जाएगा, ठीक है। हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट होगी वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मेल एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो मेल्स की 75 से 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए नॉर्मल ऑल कैटेगरीज के लिए, वहीं एसटी वाले मेल्स होंगे उनके लिए 73 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दो फेज में टेस्ट होगा आपका, पहला रिटन एग्ज़ाम होगा, सेकंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे आपके, फिजिकल मेजरमेंट होगा, पीईटी टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट रखा जाएगा आपका। अब एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर मैं देख लेते हैं, तो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न जो एसआई मास्टर, एसआई ईडी और एसआई वर्कशॉप का रखा गया है, इसके लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा बच्चों आपका, उसके अंदर जीके और अवेयरनेस आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग आएगी आपकी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस आएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, ट्रेड अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा और 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। टाइम यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे एचसी मास्टर की, ठीक है, हेड कांस्टेबल मास्टर है, ठीक है, परेशान ना होइएगा। हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल ईडी और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप जो रखी गई है, इसके अलावा कांस्टेबल क्रू की जो वैकेंसी है उसके लिए। तो यहाँ पे आपके 3 पेपर होंगे, पहला आपका जीके और अवेयरनेस से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आएंगे, नेक्स्ट रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपके 30 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहने वाले हैं, ये भी 100 क्वेश्चन आएंगे आपके 100 मार्क्स के। पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाला है। अब बात करते हैं पीईटी टेस्ट की, ठीक है, तो पीईटी टेस्ट के अंदर आपका 1 माइल रेस करनी होगी 8 मिनट के अंदर, ठीक। और एक चीज़ बता दूँ, पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपके ये सारे टेस्ट होंगे। नेक्स्ट पीईटी टेस्ट में आपकी फिर हाई जंप होगी, जिसमें आपको 3 फीट 3 इंच की जंप लगानी होगी। नेक्स्ट आपकी लॉन्ग जंप होगी, जिसके अंदर आपको 11 फीट की जंप लगानी होगी, ठीक है। और यहाँ पे हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए आपको कितनी 3 अटैम्प्ट मिलेगी, ठीक है, आपको 3 अटैम्प्ट दी जाएंगी। अब बात करें रिक्रूटमेंट सेंटर्स की, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट निकाली गई है रिक्रूटमेंट सेंटर्स की, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोलकाता, गुवाहाटी, जलंधर, बेंगलोर के कादमाला, फिर आपका गांधीनगर, फिर आपका अगरतला और दिल्ली, ये सारी लिस्ट है आपकी रिक्रूटमेंट सेंटर्स की। अब लास्ट में बात करते हैं सैलरी की, और लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा, क्योंकि सैलरी के बाद में आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और इसका सिलेबस वो भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। तो सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी एसआई मास्टर, एसआई इंजन ड्राइवर और एसआई वर्कशॉप, मतलब कि जितनी भी एसआई की वो पोस्ट है, उसके लिए आपको लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी 35,400 से लेके 112,400 तक की, ठीक है। उसके बाद जितनी भी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाएगी आपकी, जैसे कि मास्टर, इंजन ड्राइवर और वर्कशॉप हेड कांस्टेबल, यहाँ पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिलेगी आपको 25,500 से लेके 81,100 रुपये की सैलरी। लास्ट में कांस्टेबल क्रू की जो वैकेंसी रहेगी, इसके अंदर आपको लेवल 3 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जो कि 21,700 से लेके 69,100 सैलरी आपकी रहने वाली है। तो ये थी प्रॉपर डिटेल आपकी बीएसएफ ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग, यानी कि आपकी जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, वाटर विंग की वैकेंसी। अब बात करें इसके सिलेबस की और प्रीवियस पेपर की, तो प्रीवियस पेपर अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.hindiaudience.co बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे हम जल्द से जल्द प्रीवियस से पेपर प्रोवाइड करा देंगे। हम इसके पेपर्स अरेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही अरेंज हो जाएंगे हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, ठीक है, आप इसको इसके साथ बने रहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सिलेबस चाहिए तो उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ पे हमारा सेकंड चैनल है, जहाँ पे हम सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, और जल्द ही प्रॉपर फुल डिटेल सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस वहाँ पे हम वीडियो अपलोड कर देंगे, तो अगर आप चाहें तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है, वाटर विंग रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रीवियस पेपर्स के हम कोशिश कर रहे हैं अरेंज करने की, जैसे ही अरेंज हो जाएंगे हम उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, और उसकी इन्फॉर्मेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बता देंगे, तो आप अगर चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तब तक के लिए बच्चों आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।